हेलो नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन कृष्णा। और आज टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जब भी आप लोग YouTube खोलते हो, बेली फैट वगैरह डालते हो, तो उसमें सबसे पहले आपको कैसे थंबनेल दिखते हैं? कुछ इस तरह के, जैसे कि रिड्यूस बेली फैट इन 7 डेज, बेली फैट को कम करने के लिए एक आसान तरीका, 5 मिनट में बेली फैट को कम करें, या तो रात को सो और सुबह उठो पेट गायब। इस तरह के क्लेम वाले बहुत सारे आपको वीडियोस दिखेंगे, थंबनेल दिखेंगे, तो क्या वो सच में सही है? तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ना ही सिर्फ यूट्यूब में, पर जब भी मैं अपनी ओपीडी में भी बैठती हूँ, क्लाइंट आते हैं मेरे पास, पेशेंट आते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों की डिमांड रही थी कि मुझे सिर्फ मैडम है ना पेट से ही चर्बी कम करनी है, या मुझे सिर्फ ना हाथ से ही चर्बी कम करनी है, या मुझे सिर्फ अपने थाइज ही कम करने हैं, तो मुझे बस ऐसा डाइट दे दीजिए कि मेरा बस थाइज या पेट ही कम हो जाए। तो इज़ इट पॉसिबल? जो स्पॉट रिडक्शन वाली चीज़ है कि एक ही बॉडी के एक ही पोर्शन से जो फैट कम करना है, क्या वो सच में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। जब भी आप कोई डाइट स्टार्ट करते हो, कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, तो इस तरह से बॉडी वर्क नहीं करता कि कोई एक ही पर्टिकुलर पोर्शन से, एक ही ऑर्गन से आपका चर्बी जाए, एक ही पोर्शन पतला हो, बाकी के सारे चीज़ें मोटे रह जाए। अगर स्पॉट रिडक्शन के बारे में मैं डिटेल में बात करूँ, तो बहुत सारे लोगों का जीनेटिकली उसका बॉडी टाइप इस तरह से होता है, या उसके हार्मोन्स इस तरह से होते हैं कि उसके कोई पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा फैट डिपोजिशन होता है रेस्ट ऑफ द एरिया में। तो यार डेफिनेटली ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है कि आप किसी एक जगह से थोड़े से ज़्यादा मोटे होते हो, जैसे किसी का पेट ज़्यादा होता है, किसी के थाइस ज़्यादा होते हैं, किसी के ब्रेस्ट हैवी होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस ऐसा डाइट या एक्सरसाइज करना है कि आपका वही एरिया, पर्टिकुलर एरिया कम हो। नॉर्मली जब फीमेल की हम बात करते हैं, तो फीमेल में जेनेटिकली इस तरह के उनके हार्मोन्स रहते हैं कि जब भी फीमेल में फैट डिपोजिशन होता है, तो उसका सबसे ज़्यादा फैट डिपोजिशन रहता है वो हिप्स, थाइस एंड ब्रेस्ट में होता है। और जबकि मेल है, तो मेल में जब फैट डिपोजिशन स्टार्ट होता है, तो उसका जो फैट डिपोजिशन है वो सबसे ज़्यादा डिपोजिट होता है टमी में, चिन पे, बैक पे। तो ये कॉमन सर्कमफेरेंसेस है जिसमें सबसे ज़्यादा फैट डिपोजिशन होता है। हाँ, बट आजकल इंसुलिन हार्मोन, मतलब अनकंट्रोल सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन के कारण बहुत सारी फीमेल में भी देखा जाता है कि एब्डोमेन ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, ब्रेस्ट भी बहुत ज़्यादा हैवी है। तो इट इज़ ड्यू टू देयर हार्मोनल इम्बैलेंस, इट इज़ ड्यू टू देयर बॉडी टाइप कि उसके पर्टिकुलर एरिया में बॉडी फैट ज़्यादा है। पर जब भी आप फैट लॉस के लिए स्टार्ट करते हो, फैट लॉस के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तब आपका बॉडी है वो ओवरऑल बॉडी में से ही फैट परसेंटेज रिड्यूस करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप पर्टिकुलर ऑर्गन से ही फैट लॉस करो। तो आखिर फैट लॉस कैसे किया जाए, बेली फैट कैसे कम करें, थाई का फैट कैसे कम करें, हिप्स का फैट कैसे कम करें? मैं हमेशा से कहती हूँ अपने हर एक वीडियो में कि अगर आपको फैट लॉस करना है, तो अपना होगा प्रॉपर डाइट, 70-80% पार्ट रहता है उसमें डाइट का। उसके साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जो कि कॉम्बिनेशन होनी चाहिए कार्डियो एक्सरसाइज एंड मसल स्ट्रेंथनिंग। तो 20-30% पोर्शन रहता है एक्सरसाइज का। उसके साथ साथ आपके टाइमिंग क्या है, आपका स्लीप साइकिल कैसा है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, स्ट्रेस लेवल कैसा है, ये बहुत कुछ चीज़ें मैटर करती है जब आप फैट लॉस करना स्टार्ट करते हो। एंड डेफिनेटली 7 दिन के अंदर अंदर, या कोई एक चीज़ करके, या कोई एक पानी पी के, या कोई एक एक्सरसाइज करके आप फैट लॉस नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपको ऐसा है कि नहीं, आपको किसी पर्टिकुलर एरिया से ही फैट परसेंटेज रिड्यूस करने हैं, तो कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर होती है, कुछ सर्जरीज वगैरह होती है, कॉस्मेटिक सर्जरीज होती है, जिसमें पर्टिकुलर एरिया से फैट परसेंटेज निकाले जाते हैं। बट अगेन, अगर आप फिर से अपनी ख़राब लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, तो वो फिर से फैट वहाँ पे आ जाता है। तो एट द एंड में सभी वीडियो में कहती हूँ कि आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक करो, आप प्रॉपर डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करो, आपको जहाँ से भी फैट रिड्यूस करना है वहाँ से आपका फैट रिड्यूस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताएं जो भी आपका कन्फ्यूजन है फैट लॉस के बारे में, स्पॉट रिडक्शन के बारे में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी समझ पाए कि ये स्पॉट रिडक्शन या किसी पर्टिकुलर एरिया से जो फैट रिडक्शन करना है वो पॉसिबल नहीं है, और रातों रात पतले होना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।